हेलो स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग को रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया है। उसमें उन्होंने बताया कि किस कॉलेज की आप लोगों को चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। ये न्यूज़ जो है वो मेनली राउंड वन में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज का अलॉटमेंट मिल चुका था उन स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़ है। तो उन स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज बाद में अगर आप नहीं देखें और आपने उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दी तो फिर आपको बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। मैं आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन बताऊँगा, उस नोटिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बताऊँगा। सबसे पहले तो देखिए, हम उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट updgme.in पर हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाते हैं। जब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको 31 जुलाई को एक नया नोटिफिकेशन जो इशू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश नीट यूजी 2019 के द्वितीय चक्र की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के संबंध में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस नोटिफिकेशन में वो कहना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को राउंड वन में कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका था, अब वो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि राउंड टू में कॉलेज लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग ना करें। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो स्टूडेंट्स को राउंड वन में कॉलेज मिला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर करवाए, वहाँ से कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर भी उनको मिला, लेकिन अब वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं कि शायद उनको राउंड टू में दूसरा कॉलेज मिले, तो आप लोग उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग नहीं करें जिस कॉलेज को आपको राउंड वन में अलॉटमेंट मिला था। अगर आप उस कॉलेज की चॉइस फिल करते हैं और वापस आपको कोई दूसरा कॉलेज अगर अलॉटेड हो जाता है तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस कॉलेज की चॉइस फिल नहीं करते हैं जो आपको राउंड वन में अलॉट हुआ था, उसके बाद आपको अगर कोई भी दूसरा कॉलेज अलॉटमेंट हो, आपको राउंड में नोडल सेंटर में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आपकी सीट अपग्रेडेड मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी की चॉइस कर दी तो सीट अपग्रेडेड नहीं, एक फ्रेश अलॉटमेंट आपका माना जाएगा, जिसके लिए आपको वापस नोडल सेंटर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी टीम जो है वो अनअकैडमी पर है। तो आपको नीचे अनअकैडमी पर दिए हुए लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके हमको अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर 3 दिन में एक नया कोर्स आपको पब्लिश मिलेगा जो कि आपके नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वापस बात करें उस नोटिफिकेशन की, तो उस नोटिफिकेशन में फर्दर ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स चॉइस फिल करने के बाद अपनी चॉइस लॉक करना ना भूलें। कोई ऑटो चॉइस लॉक का ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप अपनी चॉइस लॉक नहीं कर पाते हैं तो आपकी चॉइस लॉक नहीं मानी जाएगी, चॉइस फिल नहीं मानी जाएगी, तो आपको अलॉटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको अलॉटमेंट ना मिले आपके अलॉटेड मार्क्स कट ऑफ मार्क्स होने के बाद भी। तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।